भारत नेपाल के बॉर्डर पर एक जंगल में महर्षि वाल्मीकि सत्संग किया करते थे। वहाँ रोज एक छोटी सी चिड़िया आती थी और वो बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनती थी। एक बार उस जंगल में आग लग गई और बहुत तेजी से फैलने लगी। सब जानवर और पास के गांव में रहने वाले लोग भागने लगे। उस चिड़िया ने जब आग को देखा तो वो पास की एक नदी के किनारे गई और पानी की एक बूंद अपनी चोंच में लेकर आई और उस आग पर डाल दी और फिर बार बार वो ऐसा करने लगी। गांव के एक आदमी ने उसको देखा तो उससे बोला, तुम्हारे ऐसा करने से आग बुझने वाली नहीं है, चाहे कितनी बार भी कर लो, फिर इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा। तो चिड़िया ने कहा, हो सकता है कि मेरी कोशिश से इस आग पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन अगर मैंने इसको बुझाने की कोशिश नहीं की तो मेरे लिए अपने आप को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर उस आदमी ने भी पास की नदी से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे गाँव के सभी लोग पानी लाने लगे और आग को बुझा लिया गया। दोस्तों, इंसान का दिमाग जानवरों से बहुत ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग सही से नहीं करते। हमको जो करना चाहिए वो नहीं करके वो करते हैं जो सब कर रहे हैं। हम अपने लिए एक बड़ा टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन कोशिश करने पर ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलने पर टारगेट को छोड़ देते हैं। कभी कभी तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ने से पहले ही इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और हम भी वही मान लेते हैं। अगर एक पौधे में समय से पानी और खाद डालते रहोगे तो एक दिन उसमें फूल आ ही जाएंगे। तुम्हारा काम पानी और खाद डालते रहना है। ये मत सोचो कि फूल क्यों नहीं आ रहे। जो आपको करना चाहिए वो करो। रिजल्ट मिलेगा या नहीं वो मत सोचो, प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आपको अभी सफलता नहीं मिली है तो हो सकता है कि आपके एफर्ट में कमी हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसे रिजल्ट दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, लेकिन 99 डिग्री तक नहीं उबलता। 99 डिग्री पर भी पानी इतना गर्म होता है कि उसको छू भी नहीं सकते। सिर्फ 1 डिग्री का ही डिफरेंस होता है गर्म पानी और उबलते हुए पानी में। 99 डिग्री तक पानी को पता नहीं होता कि सिर्फ 1 डिग्री और चाहिए उबलने के लिए। आपने अब तक कितना एफर्ट किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये सोचो कि थोड़ा और करना है, उसके बाद भी सफलता मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उस चिड़िया की तरह जो तुम्हारे हाथ में है उतना एफर्ट तो करो। जिनको सफलता मिलती है वो उनमें से ही होते हैं जो रिज़ल्ट की परवाह किए बिना अपना काम करते रहते हैं, और जो रिज़ल्ट के बारे में सोचते रहते हैं वो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, वो अपना काम नहीं कर पाते। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, जैसा हम करते हैं वैसा होता है, क्योंकि रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो अपना काम करने पर ही पता लगेगी, और उनको सॉल्व करते जाओगे तो अपने टारगेट तक पहुँच जाओगे। और अगर ये सोचते रहोगे कि मेरे इतने से एफर्ट से क्या होगा, टारगेट तो बहुत दूर है, तो टारगेट कभी अचीव नहीं होगा। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना काम करते जाओ, तुमको ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे और तुम अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे। लेकिन अपना काम ही नहीं करोगे तो कोई हेल्प भी नहीं करेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।